रात दिन एक कर दिया है। बहुत मेहनत की थी मैंने। क्लास 12th में मैं जैसी एंटर हुई थी, मैंने सोच लिया था मुझे मेरिट में नेम तो लेकर आना है, फर्स्ट रैंक भले ही नहीं आए लेकिन मुझे मेरिट लिस्ट में आना है। कहते हैं सपने देखने वालों की हार नहीं होती। आज हम आपको मिलवा रहे हैं दिव्या भिलवाड़ से, जिन्होंने ग्वालियर में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने संघर्ष मेहनत से असाधारण सफलता हासिल की है। दिव्या के पिता राजेश भिलवाड़ ग्वालियर में सब्जी बेचने का काम करते हैं। वे एक साधारण परिवार से हैं, जहां हर दिन की कमाई उनके जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। बिना किसी कोचिंग के दिव्या ने अपनी मेहनत से 12वीं की परीक्षा में 482 अंक प्राप्त किए और मेरिट सूची में 5वां स्थान हासिल किया। दिव्या का सपना है कलेक्टर बनना। मैं नाम दिव्या भिलवाड़ है, मैं क्लास 12th में हूँ। मैंने मेरिट लिस्ट में 5th रैंक हासिल की है एंड मेरा स्कूल है एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 ग्वालियर। अच्छा, कितने समय आपने पढ़ाई की है और किस तरह से ये सफलता आपको? लगभग रात दिन एक कर दिया है। बहुत मेहनत की थी मैंने। क्लास 12th में मैं जैसे ही एंटर हुई थी, मैंने सोच लिया था मुझे मेरिट में नेम तो लेकर आना है, फर्स्ट रैंक भले ही नहीं आए लेकिन मुझे मेरिट लिस्ट में आना है। आगे क्या करना है? आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS बनना है। यस सर, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे सोशल सर्विस करनी है, मुझे बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में थोड़ा। यस सर। मेरे पिताजी सब्जी का काम करते हैं, उनकी सब्जी की आदत है मुरार में। क्या नाम है आपके पिता का? बहुत ज्यादा मम्मी मेरी हाउसवाइफ है।